अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट क्या है, इसके इसकी टाइप्स क्या है और कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉस्ट बिहेवियर। बिहेवियर की अगर बात करूं तो बिहेवियर क्या है, ये एक चेंजिंग फिनोमेना है। क्या है, एक चेंजिंग फिनोमेना है, इसमें चेंज होते रहना है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के बारे में मैंने पहले बात आपसे की थी कि कॉस्ट एक है, कोई भी बेनिफिट जब आप अचीव करने लगते हैं तो कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो सेक्रीफाइस जो पार्ट है वो कॉस्ट है हमारे पास। तो कॉस्ट बिहेवियर की हम क्या बात करेंगे कि एक कॉस्ट है, जो भी उसकी टाइप होगी हम देखेंगे कि उसको जब हम एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं तो वो क्या होती है, एज अ सिंगल यूनिट वो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, लेकिन जब हम इन टोटल उसको देखते हैं उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले जो मेरे पास कॉस्ट है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें जो प्रोडक्शन का लेवल जो है उसको बढ़ाने से या कम करने से चेंज ना हो। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन लेवल। सपोज आपने एक फैक्ट्री है, आपने उसका आपने रेंट देना है, ठीक है। अगर आपने एक यूनिट बनाना है फिर भी रेंट आपने उतना देना है 5,000 रुपए, ठीक है। और लेकिन अगर आपने 1,000 यूनिट्स बनाने हैं फिर भी आपने रेंट उतना देना है, कितना, 5,000 रुपए। वो 5,000 क्या है, आपके पास फिक्स कॉस्ट है, चाहे आप प्रोड्यूस करें कोई चीज या ना प्रोड्यूस करें, ठीक है, चाहे आपकी प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, आपने वो 5,000 देने देना है, वो क्या है आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि कांस्टेंट रहे, जो कि चेंज ना हो प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने या कम होने से, मतलब जिसका प्रोडक्शन लेवल के साथ कोई लिंक ना हो, उसने इनकर्ड होना ही होना है, ठीक है, वो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अब इसको मैं देखूंगा कि इन टर्म्स ऑफ टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इन टर्म्स ऑफ सिंगल यूनिट कॉस्ट जो है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखते हैं, जब मैं बात करता हूँ टोटल की उसका मैं डायरेक्ट आपके पास एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। जब मैं टोटल की बात करता हूँ कि सपोज एक फैक्ट्री है, उसमें आपने 5,000 रुपए रेंट देना है उसका, वो उसकी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो 5,000 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये क्या है, फिक्स्ड है। चाहे प्रोडक्शन आपकी, मैं सेल पे इसको कॉस्ट शो कर रहा हूँ और इस सेल पे प्रोडक्शन शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोडक्शन क्या है, आप एक यूनिट है फिर भी 5,000 कॉस्ट है, फैक्ट्री का किराया 5,000 देना ही देना है। चाहे आप 2 यूनिट्स बना लें फिर भी आपने कॉस्ट कितनी देनी है, 5,000 ही देनी है। सपोज आप 10 बना लें फिर भी आपने कितनी देनी है, कॉस्ट 5,000 ही देनी है। ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट है इन टोटल, टोटल में फिक्स कॉस्ट जो है वो कॉन्स्टेंट है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि सपोज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो फिर इसका क्या बिहेवियर होगा वो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे वैसे ही इस साइड पे आप कॉस्ट रखें और इस साइड पे आप प्रोडक्शन रखें। अब देखते हैं क्या होता है, पहला यूनिट आपने बनाया, कॉस्ट कितनी थी, 5,000 थी, ठीक है। फिर दूसरा यूनिट बनाया, कितनी होगी, कॉस्ट 2,500 हो गई। तीसरा बनाया, उससे भी कम होगी। चौथा बनाया तो उससे भी कम होगी। तो ये क्या है, एक फिनोमेना है जिसमें कॉस्ट हर अगला यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कॉस्ट जो है आपकी कम से कम होती जा रही है। अब आपने ये इन टोटल देखा है और ये क्या है, पर यूनिट कॉस्ट है। पर यूनिट कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो कम होती जाएगी, लेकिन इन टोटल जो है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट वो एक ही जगह पे कांस्टेंट रहेगी, उस वो चेंज नहीं होती रहेगी। ये मेरे पास कुछ था जो कि फिक्स्ड कॉस्ट के रिलेवेंट था। फिक्स्ड कॉस्ट तो मैंने कवर अप कर दी, अब आगे कौन कौन सी कॉस्ट है हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।